नेहरू जी के जन्म दिवस पर हुआ बाल मेले का आयोजन। जनपद साजापुर के खुटार ब्लॉक में गांव लालपुर में गंगाराम स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नेहरू जी के जन्म दिवस पर नेहरू जयंती व बाल मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें अखंड भारत न्यूज की टीम व ब्यूरो चीफ साजापुर अरविंद सक्सेना को आमंत्रित किया गया। आपको बताते चले कि सर व्यवस्था प्रमुख धर्मपाल वर्मा, शिक्षक एवं प्रधानाचार्य अंकित वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ रविवार अवकाश के दिन भी कॉलेज बुलाकर सभी ने सरस्वती जी व नेहरू जी के चित्र पर पुष्पार्पण किया। वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर सहयोग संस्था के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने व कॉलेज के संस्थापक चिरंजी लाल वर्मा ने चित्रों पर माल्यार्पण किया। आरएसएस संघ संचालक अरविंद ने कहा कि नेहरू जी के याद में बाल मेला कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रेम, भाईचारा, आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देता है। तो वहीं कॉलेज संस्थापक ने कहा कि समाज में बच्चे ही जग का निर्माता है। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे। बच्चों ने मेले में कई दुकान लगाई, हर दुकान पर दो दो शिक्षक नियुक्त किए गए। आप देख रहे हैं आज बाल दिवस गंगाराम मेमोरियल इंटर कॉलेज यहाँ पे है। पीछे आप हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। हमने आज बाल दिवस कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू के स्मृति में मनाया जा रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि बाल दिवस कार्यक्रम इससे पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो बहुत लोकप्रिय नेता थे, बच्चे उन्हें चाचा कहते थे, उनकी स्मृति में, उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। तब से अनवरत आज के ही दिन चाचा नेहरू की याद में चिल्ड्रंस डे रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नाना प्रकार की दुकानें लगती हैं, बच्चे आज उनके देख रहे हैं खड़े हैं, बहुत साज सज्जा के साथ विभिन्न प्रकार के स्टॉल दुकानें लगती हैं, जलपान की, अन्य सामानों की, आपस में बच्चे खरीदारी करते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। यही कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। हमारे मत में गंगाराम मेमोरियल इंटर कॉलेज लालपुर खुटार जनपद सजापुर में पड़ता है। इसके प्रधानाचार्य यहाँ पर अमित कुमार जी खड़े हैं, अंकित वर्मा जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा वो आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ दो शब्द कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के कार्यक्रम के अंदर। जी, बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को आज मनाया जा रहा है, और बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारा यही कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देश के आधार और नींव को मजबूत करने, भावी जीवन को मजबूत करने वाले होते हैं, और ये किसी भी देश समाज के लिए जरूरी होता है कि यह देश समाज का भविष्य अच्छा बनाना है तो बच्चों को अच्छा बनाना है। जी, आज एक किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? आज एक 14 नवंबर का कार्यक्रम है, इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बच्चे अपने विभिन्न प्रकार के सामान लेकर आए हैं, आपस में बेचेंगे, खरीदेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि समाज में बच्चे ही समाज के निर्माता होते हैं। यदि बच्चे अच्छे कार्य करेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंतन अच्छा रहेगा, उनकी व्यवस्थाएँ अच्छी रहेंगी, तो खुद एक आगे चलकर अच्छे नागरिक देश के बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। जो स्टॉल लगाए हुए हैं, कहाँ पे लगाई आपने, क्यों लगाई है, क्या कारण है, बताओ बेटा। बाल मेला में संदेश लगाई है। अच्छा, ये क्या क्या आइटम रखा आपने बिक्री के लिए? संदेश है, मटर है सर, चाउमीन है सर। अच्छा, कितने कितने का दे रहे हो बच्चों को? ठीक, क्या नाम तुम्हारा बेटा? ठीक, क्या बिक्री कर रहे हैं आप बाल मेले में? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम लोग क्या बिक्री कर रहे हो? आज क्या कार्यक्रम है तुम्हारे यहाँ विद्यालय में? बाल मेला। बाल मेला, बाल मेले में क्या बिक्री करने के लिए? कितने का क्या बिक्री करोगे? ठीक, सब आई उस किस क्लास में पढ़ते हो? एक क्या लेके थाली में बैठे हो, क्या नाम है इसका? फिंगर। अच्छा, फिंगर, तो फिंगर ये बिक्री करने के लिए आए हो? अच्छा, एक किस, एक कौन से विद्यालय, क्या नाम है आपके?
शाबाश। एक किन किन को दोगे? फ्री में दोगे, पैसे लेके दोगे? कितने पैसे में? कितना? ठीक ठीक। स्टॉल लगाए हुए हो, इस स्टॉल लगाने का उद्देश्य क्या है और क्यों लगाए हो भाई, बताओ बेटा। अच्छा, किस चीज़ की दुकान लगाए हो आज बाल मेले में? समोसे। कितने को दोगी? 6 रुपये। अच्छा, क्या उद्देश्य है तुम्हारा यह दुकान लगाने का? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ये यहाँ पर तो स्टॉल लगाए हुए हो, क्या घर वालों से सलाह मशवरा करके लगाई स्टॉल है? और एक कहाँ पे लगाई है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत लगाई है? बाल मेले के अंतर्गत। ठीक है, क्या क्या सामान बेच रहे हो? एक क्या क्या बिक्री कर रहे हो? एक क्रेक्स कितने का दोगे? 5 का। ठीक, शाबाश। की लगाई बेटा? अच्छा, इस दुकान को लगाने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? ठीक, कितने में दोगे पकौड़ी समोसे? 5 की 5 पकौड़ी और 7 के 2। स्टॉल लगाए हुए हो, इस स्टॉल लगाने का उद्देश्य क्या है और क्यों लगाए हो भाई, बताओ बेटा। अच्छा, किस चीज़ की दुकान लगाए हो आज बाल मेले में? समोसे। कितने को दोगी? 6 रुपये। अच्छा, क्या उद्देश्य है तुम्हारा यह दुकान लगाने का? की लगाई बेटा? अच्छा, इस दुकान को लगाने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? ठीक, कितने में दोगे पकौड़ी समोसे? 5 की 5 पकौड़ी और 7 के 2। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।